से जब करने के लिए आज हम तीन पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे। इसको हम एक्रोनिम दे सकते हैं ईयर, EAR। सबसे पहले ई से मतलब ईगरनेस, जब हम जप करने बैठे तो बहुत उत्सुकता, बहुत उत्साह होना चाहिए हमारे अंदर। क्यों नहीं उत्साह होना चाहिए? क्योंकि सभी शास्त्र हम देखते हैं हरिनाम की महिमा गुणगान करते हैं। श्रीमद् भागवतम का निष्कर्ष ये हरिनाम नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप परिनाशनम, चाहे चैतन्य चरितामृत हो, भगवद गीता हो, सभी शास्त्र हरिनाम का गुणगान करते हैं। हरिनाम हमें सारी पापों से मुक्त करता है, हरिनाम हमारी सारी भूत आसक्तियाँ समाप्त करता है, और हरिनाम हमें कृष्ण प्रेम प्रदान करता है। हरिनाम इज द ईजिएस्ट, सेफेस्ट एंड द क्विकेस्ट वे ऑफ गोइंग बैक टू गॉडहेड। साथ साथ हम अपने सभी आचार्यों को देखते हैं, पूर्ववर्ती आचार्य शिला प्रभुपाद, भक्ति सिद्धांत सेवी ठाकुर महाराज, सब हरिनाम की महिमा का गुणगान करते हैं। भक्ति सिद्धांत सेवी ठाकुर महाराज कहते हैं हरिनाम इज अवर लाइफ। गौर किशोरदास बाबा जी बताते हैं कि हरिनाम हमारा सिद्ध प्रणाली मंत्र है, इसमें हर प्रकार की सिद्धि प्राप्ति हो सकती है। शिला भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं नाम बिना कुछ एक नहीं, 14 त्रिभुवन पाजे, 14 के 14 लोगों में नाम से बढ़कर और कोई बात नहीं है। हमारे सभी वर्तमान आचार्य गुरुजन भी नाम को अच्छे प्रकार से जप करने पर जोर देते हैं। तो साथ में हम देखते हैं कि जो भक्त लोग अच्छे ढंग से उत्साहपूर्वक जप करते हैं उनका आध्यात्मिक जीवन बहुत अच्छे हमेशा सुरक्षित रहता है। और अपने व्यक्तिगत अनुभव से भी देखते हैं कि जब हमने हरि नाम को बहुत उत्साहपूर्वक जप किया है, हम पूरा दिन भक्ति में उत्साहित रहते हैं। एक बार 1969 में शिला प्रभुपाद से किसी ने पूछा कि पूर्ण रूप से कृष्णा भावना भावित होने में कितने जन्म लगेंगे। प्रभुपाद ने बोला ये आपकी उत्साह पे, आपकी सिंसेरिटी पर निर्भर करता है। आप चाहें तो कुछ क्षणों में हम तुरंत कृष्णा भावना भावित हो सकते हैं। और शिला प्रभुपाद लेटर ऑफ डिवोशन में एक स्थान पर लिख रहे हैं कि अगर हमारे में इतनी उत्सुकता नहीं है और हम अपने हृदय को शुद्ध करने में इतने उत्साहित नहीं, हम चाहे देखते हैं कि जैसे जैसे मेरा हृदय वैसे का वैसा रहे, तो फिर हम हरि नाम के पूरे लाभ को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो हरि नाम को अगर उत्साहपूर्वक जब नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम जैसे हमारे हृदय की स्थिति है हम उसको वैसे ही बनाए रखना चाहते हैं, तो फिर हरिनाम कैसे महिमा दिखाएगा। तो सभी गुरु साधु शास्त्रों का निष्कर्ष है, अपने व्यक्तिगत अनुभव से, अपने वर्तमान भक्तों के चरित्र से हम समझ सकते हैं कि उत्साहपूर्वक जप करना, उत्सुकता से जप करना कितना आवश्यक है। और ये हमारे एटीट्यूड पर निर्भर करता है। जब हम जप करने बैठे हैं तो हमारा एटीट्यूड ये नहीं होना चाहिए कि करना पड़ेगा, मजबूरी है और कोई उपाय नहीं है। नहीं, बहुत ही उत्साहपूर्वक उत्सुकता से, क्योंकि हरिनाम जप करने का अर्थ है राधा कृष्ण से एक व्यक्तिगत भेंट, पर्सनल मीटिंग, तो उसके लिए हमें कितना उत्साहित होना चाहिए। और इसके लिए हम उत्साहित नहीं है तो कितना बड़ा अपराध होगा, क्योंकि हरिनाम एक व्यक्ति है, ये कोई केवल एक इम्पर्सनल नाम नहीं है, ये एक व्यक्ति है, एक पर्सनैलिटी है। तो उनसे मिलने की उत्सुकता दिखाएंगे तो वो भी हम पे ज़्यादा से ज़्यादा कृपा करेंगे। और दूसरा है ए का मतलब है अटेंशन देना, पूरा अटेंटिव होना चाहिए। अटेंटिव के लिए हमने चर्चा की है कि हमारा पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोनंसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ में हम एक एक शब्द को सुनने का प्रयास करें। और मन हमारा भागेगा चाहे भविष्य में या भूतकाल में, तो उसको बार बार पकड़ के अंदर लाना है। तो ये प्रयास ज़्यादा चलते रहना चाहिए, जितने हमारे में उत्सुकता होगी उतना हम अच्छे ढंग से प्रयास भी करते रहेंगे। कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए, कभी हतोत्साहित नहीं होना चाहिए कि मैं ऐसा नहीं कर सकता ना, इस चीज़ से हमें ऊपर उठना है। और ज़्यादा से ज़्यादा हमें ध्यानपूर्वक जप करने का हमेशा प्रयास करते रहना है। और आर का मतलब है कि हम जब जप करें तो हम देखें कि जब एक पर्सनल मीटिंग है, तो आर का मतलब राधा राधिका रमन जी वहाँ पे प्रेजेंट है, राधा श्याम सुंदर, राधा माधव जो हमारे इष्ट देव हैं वो वहाँ पे उपस्थित है, तो वो हमारे सामने साक्षात बैठे हैं, उनके साथ हम बातचीत हो रही है जैसे। तो EAR बहुत ईगरनेस, बहुत अटेंशन, और इन द प्रेजेंस ऑफ राधा राधिका रमन। और अपने पूरे जप में हम ये देखते रहें क्या ईगरनेस कम तो नहीं हो रही, तो और ईगरनेस बढ़ाएं, अटेंशन कम तो नहीं हो रहा और अटेंशन हो जाए, और याद दिलाएं अपने आप को राधा राधिका रमन मुझे देख रहे हैं किस प्रकार से मैं जप कर रहा हूँ। तो हमेशा पूरे जप में इस प्रकार से हम कॉन्शियस रहेंगे तो हम अच्छे ढंग से जप कर पाएंगे। हरे कृष्ण महामंत्र की। This is more ensured. And one other thing, the why part of it. The why, you also understand why Harinam, because our previous acharyas have shown by example also, saying that and doing that. If you take yesterday we heard when Haridas Thakur became so old and he was not able to do japa,
Then Chaitanya Mahaprabhu said, why don't you cut down your chanting? Then he said, no, this is my life. And if you cut down breathing, I will die. And like that, if you cut down my chanting, I will die. So that is the, see, that is what is the conviction, that is what is the enthusiasm, that is what they have lived their life like that. So we should also, when it comes to the morning part, I am dedicating my time none other than taking the Harinam. That's all. No other business. My business is that I am taking only Harinam. So that is the kind of conviction we should have. Yeah. And yes. And one other thing also what's mentioned was that Prime Minister comes to your home, how enthusiasm you will be showing? Will you be morose? No. So similarly, when you are taking Harinam, you are having a personal meeting with the Supreme Lord. So one should be very enthusiastic about that also. Don't take it cheaply. Yeah. Anything you wanted to add in this regard, eagerness? If not, we'll go to the next acronym. Okay, the second one, would somebody highlight what? Attentiveness. Yeah. Malati Mataji, please elaborate. Attentiveness. Prabhuji, attentively we need to hear and chant the holy name while chanting. We should absorb ourselves in the name of the Hare Krishna Mahamantra, Prabhuji. Right. So how can we do that practically? What was the tips given by Prabhuji? Yeah, anybody? So our mind will wander here and there in the past and the future. So we have to bring it to the present. So don't get depressed that why my mind is not cooperating. Slowly and steadily, it is like Srila Prabhupada gives one example. If there is lot of muddy water in the pond, because you put a stone or something, lot of mud has come and the water became dirty. But let it settle down for some time, so the clear water, you can see some water, the creatures that are there under the, are very close to the ground level also you can see, because it will take some time to settle down. So we have got so many lifetimes of anarthas that are there in our mind, because when we take another life also, your subtle body is coming along with you. So that is not going away. So that is the reason why sometimes you are not able to, but again, there is no other way. You have to do Harinam and then purification will happen. And one other thing also Prabhuji mentioned, a very practical tip, how we should cultivate this attentiveness, how it can be done. Can somebody remember? Very practical tip. Body, mind and heart aligned. So basically he mentioned about the posture and pronunciation. Posture, you need to be keeping your body erect, not in a sleepy mood or anything like that. Especially in yoga also, when you do your meditation or anything like that, because Kundalini Shakti and a lot of things are there, we can go into the details. But to activate those layers, you need to keep your back straight. So that is where activation will happen. And that is really helpful for us. And pronunciation also very important. Don't do it in a hurry. Clearly, distinctly take the names and then hear them attentively. So that's where this thing comes. And the last one, please. Yes, please. Sorry, both of them spoke same time. One of you. Malati Mataji. Thank you, Prabhuji. R is the Radha Rani, Radha Madhava or Radha Madan Mohan, whichever is the deity we like or we see darshan. So we need to think ourselves that their presence is there before us while chanting, while taking the Hare Krishna mantra, and we should feel that they are listening to the mantra. So in that way, in that mood, we should chant Hare Krishna Mahamantra, Prabhuji. Very nice. So attentively that they are present. We should feel the presence. So, like that we need to do chanting. Yes, Mataji. So basically what devotees do is that they sit in the near, closer to the altar, whichever altar that they have.
preferably, and then do the chanting. But sometimes not possible because we are online and we are doing all this. But again, if possible, at least have Tulsi Maharani very close to you, because the vibrations what Tulsi Maharani provides in our chanting is really helpful. And yeah, so here Prabhuji was mentioning about which deity was that? Radha Radhika Raman, I think. So actually these Radha Radhika Raman, they are denoting to various there are few deities which are associated with Prayojana, Samanda, Abhideya and Prayojana. So like that we are establishing that relationship with the Supreme Lord by chanting in their presence. So that way. So thank you all for joining, and we have the program of silent and peaceful protest in the at around 10 to 12. So those who can come, they can come. But again, the process is that in ISKCON also, one of the things that was missing is that we are been cultivating only the Brahmana qualities. So one should also need to know how to protest, and that Kshatriya quality should also be developed, which is what was lagging. And at Srila Prabhupada time, when Juhu temple was attacked, Srila Prabhupada said, take up to the arms to protect yourself. And they did. And there were one or two trained people who were kept to protect the temple. And they were attacking. We are peaceful. But again, when somebody attacks your home and attacks you, you cannot just keep quiet. That's not the Kshatriya quality. That's not what Krishna told in Bhagavad Gita. When you slap on one cheek, show your other cheek. That's not our philosophy. That is nonsense. So one should be really taking up to protect their dignity, whatever self they have. So self-protection should be given priority also. So yeah, thank you so much for joining today, and we will meet again tomorrow morning. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama, Rama Hare Hare. Srila Prabhupada ki jai, Ananda Koti Vaishnava. Thank you, Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhupada. Dhanatma.